गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर। और कौन सी माता के मंदिर जा रहे हैं वो आपको रास्ते में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपने सफ़र को शुरू। और आज आप लोग भी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो अब हम बैठ चुके हैं कार में और हम लोग रास्ते में ही हैं अभी। यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मोहन जी बैठे हुए हैं। और आज हम लोग देखिए टैक्सी से जा रहे हैं, अपनी कार से नहीं जा रहे हैं। अभी आगे देखिए बहुत बड़ी टनल आने वाली है, जो डाट काली मंदिर देहरादून के पास में ही बनाई गई है। अब यहाँ से आगे यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर लग जाता है। देखिए टनल में कितना अंधेरा सा लग रहा है ना, लाइट्स का ही उजाला होता है क्योंकि। दोस्तों, आज हम लोग माता शाकुंभरी देवी के मंदिर जा रहे हैं, जो यूपी के सहारनपुर जिले के जसमौर विलेज में है। देहरादून से 55 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, अब टनल से बाहर निकल के जो जंगल बहुत सुंदर, उसके बाद हाईवे लग जाता है। दिल्ली देहरादून हाईवे में हम लोग पहुंच चुके हैं। माता के दर्शन से पहले करने होते हैं भूरा बाबा जी के दर्शन। तो देखिए जी, मंदिर ये है पीछे। और यहाँ पर अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है और इतनी भीड़ है, स्कूल के बच्चे आए हुए। बोलो जोर से जय बाबा जी, जय बाबा जी। गुड, सब जोर से बोलो जय बाबा जी। ये देखिए गाइस, सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप लोग? सरदार भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल। ओह माय गॉड, देखिए सभी बच्चे आए हुए हैं आज। प्रथम पूज्य बाबा जी, बाबा भूरा देव जी, आज तो रंगत आ गई, सारे बच्चे मिल गए यहाँ पे। भाई चलो आज यहाँ पे भी मंदिर है दुर्गा चालीसा। लिखा हुआ है भूरा देव जी की आरती। ओ मंकी, तो गाइज हमारे हो गए भूरा देव जी के दर्शन, बहुत अच्छे। और यहाँ पर आप देखिए बाबा जी के भी दर्शन हो गए हैं। बाबा जी आप यहीं रहते हैं? बाबा जी तो यहीं। बाबा जी कुछ मंत्र? अच्छा, ये देखिए गाइज बाबा जी यहाँ पर आपकी हमेशा झोली भरी रहेगी। भूरा बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर नदी की तरफ आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा मैदान सा, ये बरसाती नदी है और अभी तो पानी नहीं है तो पूरा सूखा है। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे से इन्होंने झंडे माता के लगाए हैं पूरा बेचने के लिए। ये देखिए गाइज यहाँ पर है मेन गेट, ये बिल्कुल नदी में ही बना हुआ है, बिल्कुल नदी के थोड़ा सा किनारे आप देखेंगे माता शाकुंभरी का गेट है। और यहाँ पर इस तरह की दुकानें, आपको पूरे झंडे झंडे आपको दिख जाएंगे। माता के भी झंडे हैं, हनुमान जी के भी झंडे लगे हुए हैं। और यहाँ पर बीच में ये बरसाती नदी जो है, कभी जब बरसात होती है तो 2-3 घंटे यहाँ पर बरसाती नदी चलती है, उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे देखो माता के पूरे फ्लैग्स इतने प्यारे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हम दोनों ही आए हैं, बच्चा अभी स्कूल गया हुआ है। तो
पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यहाँ पर देवी शाकंभरी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह पर जहाँ पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए और शिवालिक पहाड़ियां, आप चारों तरफ से जंगल, घने जंगलों के बीच में यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का ही भोग ग्रहण करती थी। इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी माता पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से प्रसाद ले लेते हैं। लगा के दबे पता वाली चुन्नी कितने की है? ये वाला थोड़ा 11 रुपए का पूरा। चलिए ये चुन्नी अगर अलग ले तो इसमें अलग से ले लो। ये पूरी सवा दो जनता की सुननी है माता, वही तो उसे 51 का प्रसाद लगा के दोनों तो आपको अच्छा होगा। तो दोस्तों मैंने प्रसाद ले लिया है, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ले लिया है इन्होंने, बहुत अच्छी चुनरी भी दी है, एक माला हमने ले ली है। तो अभी यहाँ से 4-5 दुकानें छोड़ के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे 10-12 दुकानें लग रही है। ये मैंने की टीम से ये जहाँ लगाई है ना सामने के लिए। तो हम मंदिर की तरफ चलते हैं। छतर रखवा लो माता रानी का, छतर चंदी का। अभी हमने शाकंभरी माता के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने। प्रसाद हमने दोबारा से फिर ले लिया माता मनसा देवी के लिए। और आप, आपके दर्शन अच्छे हुए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत माँ की कृपा है। भीड़ भाड़ भी नहीं है और संडे को यहाँ को बताया जा रहा है भीड़ भाड़ होती है। वाह, मौसम भी अच्छा है। स्कूल के बसेस भी आते हैं ग्रुप में और सभी लोग यहाँ पे, यहाँ पर ना संडे को ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है बताया जा रहा है ना। बंदर दोस्तों, आपको जो ये अभी रोड सी दिख रही है, ये बरसाती नदी है। यहाँ पर अभी तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर संस्कृत जो आचार्य की पढ़ाई होती है वो भी यहाँ पर बना हुआ है बिल्डिंग। और मैं जा रही हूँ माता मनसा देवी की तरफ। तो दोस्तों, आज मैंने पहना हुआ है अपना शादी का पिछोड़ा, इसको बोलते हैं। तो ये चुनरी जब बहुत ही शुभ कार्य होते हैं ना, जैसे शादी हो गई, पूजा हो गई, आपका हवन वगैरह जो भी चीजें होती है ना, उसमें पहना जाता है। और शादी के दिन इसको फर्स्ट बार ओढ़ा जाता है, तो मेरा ये शादी के दिन का ही है और आज भी मैं इसको अपने शादी की सालगिरह में ओढ़ रही हूँ। और बहुत सुंदर मस्ता देवी। हाँ। हर हर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुश रहो मेरी रानी। बाबा जी, आप लोगों की ज्यादा सफलता ही रहे, आपकी वाणी में अमृत बरसे। तो दोस्तों, हो गए हमारे माता मनसा देवी के भी दर्शन और माता शाकंभरी के भी दर्शन हो गए अच्छे से। और आज हमारे एनिवर्सरी के दिन माता का आशीर्वाद हमें मिल गया है। मैं चाहती हूँ कि माता शाकंभरी का आशीर्वाद आपके परिवार को भी मिले, आपका परिवार भी खुशहाली रहे। और एक बार यहाँ पर आइएगा, बहुत ही शांति देने वाला मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो माता के दर्शन करने मात्र से ही
इतनी शांति मिल रही है मन को। यहाँ पर देखिए बोलते हैं यहाँ कढ़ी चावल जरूर खाना चाहिए। ये देखिए क्या क्या बना रखा है इन्होंने, ब्रेड पकौड़े, कढ़ी चावल। अच्छा दीदी, मैं संजय धाम काम शाम बाला का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इस दरबार में बहुत अच्छी लगती है। आपकी शॉप है? नहीं भैया, कढ़ी चावल अच्छे बनाते हैं, ब्रेड कढ़ी चावल अच्छा, और चाय और चावल बहुत अच्छे बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। हाँ जी सब, चाय पकौड़ी, चाय पकौड़ी। अच्छा हम तो पकौड़ी खाते हैं, चाय पी लो, कढ़ी चावल खाएंगे। हाँ खाओ कढ़ी चावल, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर हमारा अभी चल रहा है कढ़ी चावल। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर भोजन भी करने लग गए हैं। कढ़ी चावल टेस्टी है ना, अच्छा है। यहाँ पर आके बोलते हैं ना कढ़ी चावल जरूर खा कर जाना चाहिए, माता का प्रसाद को माना जाता है, यहाँ पर माता को भोग लगता है। तो हम लोग भी यहाँ से प्रसाद खा कर ही निकलेंगे। चाय का टेस्ट भाई, यहाँ पर इतनी अच्छी चूड़ियाँ 50 रुपए की, 4 बोल रहे हैं, पूरा दर्जन बोल रहे हैं, 4 यहाँ पे। अच्छा बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, तो हम भी देखते हैं कुछ पसंद आता है तो देते हैं, अभी ले लेंगे। तो हमने माता शाकंभरी के भी दर्शन कर लिए हैं, हमने मनसा देवी के भी दर्शन कर लिए और भैरव देवता के भी दर्शन कर लिए, भूरा बाबा जी के भी दर्शन कर लिए। इस साल की हमने अपनी एनिवर्सरी यहाँ पर माता शाकंभरी मंदिर में मनाई, और लास्ट ईयर हमने सुरकंडा माता के मंदिर में मनाई थी। तो अभी जाते समय हम लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर रहे थे, तो फिर देखिए अभी यहीं पर अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और